तो दोस्तों आज हम ऐसे कीड़े के बारे में जानेंगे जो हम अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं पे तो उसको देखते ही है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे डंक बीटल के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय राजपुरोहित, आप सभी का स्वागत है द एनिमल एडवेंचर में, जहाँ पर हर हफ्ते अलग अलग प्राणियों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। अगर आपको ये जानकारी वाकई में पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो। डंक बीटल जो हर कॉन्टिनेंट पे 7000 से भी ज्यादा पाए जाते हैं, सिर्फ एंटार्क्टिका को छोड़ के और पूरे दुनिया में 5000 से भी ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। उसमें से 800 यूनिक प्रजाति सिर्फ साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हाथी का 2 किलो का डंक 16000 डंक बीटल उसे 2 घंटे में खाके गायब कर देती है। डंक बीटल एक सर्वहारी प्राणी है और डंक बीटल्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, रोलर्स, टनलर्स, ड्वेलर्स। रोलर्स यानी कि जब डंक बीटल जब अपने घर से दूर होते हैं तब वे डंक को ढूंढकर उनको बॉल शेप में कन्वर्ट करके तब घर पे लेके जाते हैं। टनलर्स में वे डंक के यहाँ पर जमीन में टनल क्रिएट करते हैं और ड्वेलर्स में वे अपने खुद के घर में डंक प्रोड्यूस करते हैं और उनके पास विंग्स होते हैं और 6 पैर होते हैं जो उन्हें टनल क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। और डंक बीटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राणी है जो अपने शरीर से 50 गुना ज्यादा वजन उठाते हैं। और डंक बीटल नेचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वह वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करते हैं और न्यूट्रंस को और अच्छा बनाते हैं। और फीमेल डंक बीटल जमीन के अंदर अंडे देती है और उन अंडों को मेटामॉर्फोसिस से गुजरना पड़ता है, मतलब उन्हें अडल्ट होने तक बहुत से ज्यादा बॉडी शेप से गुजरना पड़ता है। और डंक बीटल एक सॉलिटरी प्राणी है जो अपना जीवन अकेले ही बिताना पसंद करते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार डंक बीटल की लंबाई तकरीबन 2 इंच की होती है और वो वातावरण में तकरीबन 5 साल तक जी सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।